यूएस में प्रोफेशनल अकाउंट के साथ बिजनेस करने के लिए आपको एलएलसी चाहिए है। यूएस में होलसेल करने के लिए, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, पीएल करने के लिए आपको एलएलसी चाहिए। हाँ जी, हम ये जो बहुत ज्यादा पुराने रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं और देव रजिस्टर्ड थाउजेंड्स ऑफ एलएलसीज या शायद लाखों में हो, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन गूगल से सर्च करके कोई साथ में आठवें पेज से कोई छोटी सी वेबसाइट निकाल लेंगे तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो टॉप के ये जो एजेंट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट है, इंकफाइल है, जेन बिजनेस है, लीगल जूम है, ये टॉप के एजेंट्स हैं, ठीक है, तो इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने जब डिसाइड कर लिया कि हमने एलएलसी अब बनानी है और कौन सी स्टेट में बनानी है, स्टेट भी आपने डिसाइड कर ली, ठीक है, तो अब अगला स्टेप है कि हमने एलएलसी बनानी किस तरह से। अब हम क्योंकि बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बैठ के हम यूएस में अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो हमें वहां पे एक पोस्ट, लेकिन यूएस वाले क्या कहते हैं कि आपको एक बंदा हमें देना पड़ेगा जिसका यहाँ पे फिजिकल एड्रेस हो, वो यूएस में जो है वो ये फिजिकल एड्रेस मौजूद हो, और उस एड्रेस के ऊपर आप ओपन कर सकते हैं, उस बंदे के साथ कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो फिजिकल एड्रेस वाला बंदा जो कि वहां पे मौजूद होता है, इसको रजिस्टर्ड एजेंट कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट क्या होता है? जो बंदा यूएस में मौजूद है और वहां पे फिजिकल एड्रेस के पास है, ठीक है। ये एक रिक्वायरमेंट है हर स्टेट की कि एक ये पर्सन आपने हमें देना है जो कि रजिस्टर्ड एजेंट, वो आप अपनी एलएलसी में ऐड करेंगे, आपके बिहाफ पे वो स्टेट के साथ कोरिस्पोंड, और हम जो भी कोई मेल सेंड करेंगे, जो भी कोई इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, हम उस फिजिकल एड्रेस के ऊपर सेंड करेंगे। अब ये हमें यूएस में एक बंदे की जरूरत पड़ गई है जो कि हमारे बिहाफ पे स्टेट से कोरिस्पोंड करेगा। अब ये बंदा कौन है? ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर कोई आपका बंदा वहां पे जाने वाला नहीं है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई नहीं है, तो फिर ये सर्विसेज ऑनलाइन ऑफर की जाती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। ये यहाँ पे इन्होंने दो सजेस्ट किए हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट, लीगल जूम, और इसके अलावा है इंक फाइल। हाँ जी, ये वर्चुअल असिस्टेंट ही ये काम करता है। अमेजोन अकाउंट जो आप इंडिविजुअल बनाएंगे उसी को आप बाद में प्रोफेशनल में कन्वर्ट करेंगे, वही आप आगे लेके चलेंगे। अच्छा, ये तीनों बिजनेस मॉडल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, जब इंडिविजुअली हम करेंगे ना। पहले हम पीएल स्टार्ट कर रहे हैं तो पीएल को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर होलसेल को, फिर टॉप शिपिंग के लिए आप थोड़ा सा सब्र, हौसला, तहमुल, बर्दाश्त वो करना। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया कि एलएलसी अब हमने रजिस्टर करनी है, तो हमें एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए। रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो बंदा भी हो सकता है आपका जानने वाला यूएस में। अगर आपका जानने वाला बंदा नहीं है यूएस में, तो फिर आपका रजिस्टर्ड एजेंट कौन होगा? आपका रजिस्टर्ड एजेंट होगा इंकफाइल, या जेन बिजनेस, या लीगल जूम, या नॉर्थ वेस्ट। ये आपके रजिस्टर्ड एजेंट्स होंगे, ठीक है। ये आपके, ये देखिए लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट, ये आपके एज ए रजिस्टर्ड एजेंट काम करेंगे। इनकी जो एलएलसी होगी, नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट की एलएलसी या इंकफाइल रजिस्टर्ड एजेंट एलएलसी, वो एज ए रजिस्टर्ड एजेंट काम कर रही होगी आपके लिए, और आपके बिहाफ पे वो फाइल करेंगे एलएलसी ओपनिंग जो रिक्वेस्ट है कंसर्न स्टेट को, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमने इस रजिस्टर्ड एजेंट को यूज करते हुए एलएलसी किस तरह से ओपन कर, इसमें से किसी भी एक पे आप आ जाएं। इन तीनों को आपने देख लेना है, कंपेयर कर लेना है कौन सा आपको सस्ता पड़ता है, और आगे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता भी। नॉर्थ वेस्ट के ऊपर आ गए हम, चूज योर स्टेट एंड स्टार्ट योर एलएलसी फॉर $39। $39 इनकी फी है, $39 ये कह रहे हैं कि हम चार्ज करेंगे आपके रजिस्टर्ड एजेंट बनने के लिए, ठीक है। स्टेट पे आ जाए, स्टेट हम यहाँ पे करते हैं, हम इसको कहते हैं कि हमें ना आप बना दें मिजोरी में। ये जी मिजोरी आ गई, गेट स्टार्टेड कर ले। यहाँ से उसने खर्चे आपके सामने रख दिए हैं। खर्चे क्या हैं जी आपके? नॉर्थ वेस्ट सर्विस फी $39 ये चार्ज करेंगे। किस चीज के हैं? दिस इज द सर्विस फी दैट यू पे अस टू फॉर्म योर एलएलसी, ठीक है जी। रजिस्टर्ड एजेंट $0, रजिस्टर्ड एजेंट की फी कोई नहीं है। आर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विसेज इंक्लूडेड विद एवरी एलएलसी वी फॉर्म, इट्स फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर, आफ्टर दैट इट्स जस्ट $125 पर ईयर, यू कैन कैंसिल एट एनी टाइम। बाय यूजिंग आवर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस यू कैन कीप योर होम एड्रेस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स। अच्छा, इवन जो लोग अगर कोई यूएस में बैठे हुए हैं तो वो भी इन सर्विस को यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं? कि वो अपना जो फिजिकल एड्रेस है, वो अपना होम एड्रेस है, उसको पब्लिक रिकॉर्ड से ऑफ करने के लिए, कि पब्लिक रिकॉर्ड में उनका होम एड्रेस या फिजिकल एड्रेस नजर ना आए, रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस नजर आए, ठीक है। इफ यू वुड लाइक वी विल आल्सो लेट यू यूज आवर एड्रेस फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ एलएलसी फाइलिंग, लाइक द फिजिकल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस एंड एनीवेयर एल्स दैट इज एप्लीकेबल इन योर स्टेट्स फाइलिंग, ठीक है। कह रहे हैं अगर और कोई एड्रेस आपको कहीं और देना होगा
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखें पैकेज फी $200 इन्होंने चार्ज कर ली ना, लेकिन इस $200 के अंदर ही आपका वो है ये आपका फाइलिंग फी भी है और EIN की फी भी है। गोल्ड पैकेज को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। गोल्ड पैकेज के साथ हम आगे आके तो यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे, यहाँ पे नाम पता लिखना पड़ेगा सारा। अच्छा ये बन रहा है 251 में, ये नंबर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी भी हो जाएगी, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट भी हो जाएगा और गोल्ड पैकेज भी हो जाएगा, ठीक है जी। इधर कितने बने थे 291, यहाँ पे 251 बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप चले जाएं जेन बिजनेस पे या लीगल जूम के ऊपर, एक दो और इसी तरह की सर्विस है वहाँ पे, हर एक के ऊपर अलग अलग आपके चार्जेस वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये नंबर और रजिस्टर्ड एजेंट फी और आपकी जो मेल है वो आपको वो स्कैन करके ईमेल करें, ये चीजें हमने इंश्योर करनी है रजिस्टर्ड एजेंट के साथ LLC फाइल करते हुए। अभी इसके अंदर LLC फॉर्मेशन के अंदर कोई आपके क्वेश्चन चाहे तो बताएं, एक एक करके थोड़े थोड़े, मुझे चैट बंद ना करनी पड़े प्लीज, थोड़े थोड़े करके कीजिएगा। US में कोई पर्सन ना हो तो इसी तरह बनाएंगे ना, रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए आप बना सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, बाकी मेलिंग एड्रेस पाकिस्तान का देंगे नहीं, वो आपका उसी का रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होगा। रजिस्टर्ड एजेंट रेगुलर चाहिए होगा आपको, आप हर साल उसको फी पे करेंगे टू बी योर रजिस्टर्ड एजेंट, एनुअल फी होगी, मंथली नहीं होगी। इस फोन नंबर एंड वर्चुअल एड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर LLC, नहीं LLC के लिए नहीं चाहिए। UK से अगर आइटम्स डिलीवरी करे टैक्स प्लस, लेकिन वो अमेजोन के लिए चाहिए होंगे ना आपको। UK से अगर आइटम्स डिलीवरी करे तो टैक्स प्लस कस्टम टैक्स भी लगता है, आप कहाँ पे डिलीवरी करें। कैन वी क्रिएट LLC विदाउट रजिस्टर्ड एजेंट, आप रजिस्टर्ड एजेंट के बगैर LLC क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव SSN नंबर, आप US में नहीं बैठे हुए, आप US नेशनल नहीं है, इसीलिए आपको इन एनी केस यू नीड अ रजिस्टर्ड एजेंट। अब वो रजिस्टर्ड एजेंट आपका अपना फ्रेंड रिलेटिव भी हो सकता है या ये नॉर्थ वेस्ट इंक फाइल लीगल जूम भी हो सकता है, ये सब कुछ खुद से ही करना है आपने। इरमलताफ नहीं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना वो नहीं देने, वो डिटेल्स उन्होंने आपने अपने दे देनी है। We will provide address to these sites for LLC registration. नहीं, address इन्हीं का address use होगा ना, इन्हीं का physical address use होगा। आप अपना पाकिस्तान का address, residential address जब मांगेंगे तो वो देंगे आप यहाँ पर। Client अगर कहता है सबसे सस्ती चाहिए तो मिजोरी की दे दें, मिजोरी सबसे सस्ती है। अगर कोई relative है USA में तो उसका ID card नहीं, SSN number उसका use होगा और mostly वो आपको ID card अपना SSN number नहीं देंगे, ठीक है। They are very sensitive about SSN number. तो देख लें, अगर कोई बहुत ही आपका अच्छा ताल्लुक है तो शायद मिल जाए। अगर SSN नंबर वाला आपको बंदा मिल जाता है तो आप उसको पार्टनर बनाएं अपने साथ, उनको पार्टनर बना के उनकी बेशक आप परसेंटेज कम रख दें, लेकिन उनको पार्टनर बना के तो आप फिर मल्टी मेंबर LLC ओपन करें। मल्टी मेंबर LLC में एक पार्टनर वो होंगे, एक आप होंगे, जहां पे वो कहेगा कि SSN नंबर दें, SSN नंबर उनका जाएगा और आपकी LLC विदाउट रजिस्टर्ड एजेंट डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट्स वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आपको रजिस्टर्ड एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, फिजिकल एड्रेस भी उन्हीं का यूज होगा, SSN नंबर उनका यूज होगा और आप जाएंगे मिजोरी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप LLC फाइल कर देंगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग हम USA LLC के बगैर नहीं कर सकते पाकिस्तान में बैठ के, USA LLC के बगैर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही वो शॉर्ट टर्म रूट है, बहुत ही शॉर्ट टर्म रूट है, थोड़े ही अरसे बाद आपको जो है वो LLC पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। UK से अगर आइटम डिलीवरी करें तो टैक्स प्लस कस्टम, मुझे ये बताएं UK से आइटम डिलीवरी कहाँ करवानी है ये तो बता दें। US के लिए आपको फिर नंबर और बाकी चीजें बाय करने पड़ेंगी, अमेजोन का अकाउंट भी तो आपने बनाना है, अमेजोन के अकाउंट के ऊपर भी तो आपको देना है, फोन नंबर वहां पे देना होगा। एड्रेस तो पाकिस्तान का ही चलेगा आपका, रेजिडेंशियल एड्रेस आपका पाकिस्तान का चलेगा, बिजनेस एड्रेस आपका जो ये वाला है आपका रजिस्टर्ड एजेंट वाला वो चल जाएगा। क्लाइंट US का ही है तो फिर कोई मसला नहीं है, वो LLC जो है वो खुद ही फाइल कर लेगा कंसर्न स्टेट की वेबसाइट के ऊपर या आप फाइल कर देंगे। LLC फॉर्मेशन फी वन टाइम है और क्या ये स्कैन करके मेल्स भेजेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग को? हाँ जी, स्कैन करके मेल भेजेंगे और फॉर्मेशन फी मैंने आपको बता दी कि वो रजिस्टर्ड एजेंट आपको हर साल चार्ज करेगा, आपकी LLC की अगर रिन्यूअल फी है तो वो हर साल आपको पे करना पड़ेगी, ठीक है। ये चीजें हैं एनुअल रिन्यूअल पे। LLC यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, वेबसाइट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, वहाँ पे ओपन नहीं होती है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है LLC के बारे में। ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ना, क्योंकि Amazon अलाउ नहीं करता आपको ड्रॉप शिपिंग करना, जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से वो अलाउ नहीं करता। नॉर्थ वेस्ट में फोन नंबर क्लाइंट लिखेंगे, हाँ जी क्लाइंट है अगर तो वो उसकी डिटेल आप लिखेंगे। SSN नंबर भी बाय नहीं होता, SSN नंबर बाय होता है लेकिन वो
अजीबोगरीब तरीके से बाय होता है वो तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ना। वो क्या करते हैं, कोई बंदा फोत हो गया, उसका SSN ले लिया, किसी का SSN कार्ड घुमा, उसको पता ही नहीं है, उसका SSN लेके आगे बेच दिया। वो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन दे आर नॉट लॉन्ग टर्म रिलायबल नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन भी नहीं है, फ्रॉड है, दो नंबर ही है, तो वो हम करेंगे नहीं। वो बंदे को पता ही नहीं होता उसका SSN नंबर यूज हो रहा होता है कहाँ कहाँ पे। मिजोरी LLC ड्रॉप शिपिंग करते वक्त एक ईयर बाद अकाउंट सस्पेंड क्यों हो जाएगा? ड्रॉप शिपिंग अमेजोन अलाउ नहीं कर रहा होता। ड्रॉप शिपिंग में जिस तरह से हम करते हैं वो तरीके अमेजोन अलाउ नहीं करता, ठीक है। बेसिकली अमेजोन ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करता है, लेकिन ये अब ये ड्रॉप शिपिंग की डिटेल्स हैं, वो जब ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपको बताऊंगा तब बताऊँ। अभी मुझे LLC के क्वेश्चन करें। विच स्टेट इज बेस्ट? अगर आप बेस्ट मेरे से पूछेंगे तो वो Delaware है, ठीक है। अगर आप चीप मेरे से पूछेंगे तो वो मिजोरी है, Wyoming है। बेस्ट पूछेंगे तो वो Delaware है। तो कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेट किस बिजनेस मॉडल के लिए बेस्ट है? आपको उसके टैक्सेस से पता चलेगा ना, उसके टैक्सेस कितने हैं। टैक्सेस जिसके ज्यादा हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि कल को जब आपने टैक्सेस फाइल करना है तो वहां पे मसला होगा फिर। और टैक्सेस से मेरी मुराद आपके जो इनकम टैक्स है वो वाले, आपकी LLC की इनकम टैक्स, वो सब चीजें हैं। क्योंकि जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स का तो मसला ही नहीं है ना हमें। सेल्स टैक्स तो अमेजोन ने खुद ही कलेक्ट करना है और खुद ही पे होना है। सेल्स टैक्स हमने पे करना ही नहीं है, वो कस्टमर ने करना है। और इंडिविजुअल अकाउंट है अगर तो मेंबर्स क्यों मेंशन करते हैं? मुझे नहीं ये समझ आया, जैनब बीबी आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। रजिस्टर्ड एजेंट कोई काम नहीं करेगा, अपना फिजिकल एड्रेस देगा और वो बताएगा कि मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये बंदा बाहर बैठा हुआ है लेकिन मैं इसका बंदा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, ये मेरा एड्रेस है। कोई आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कोई लेटर भेजना है मेरे से एड्रेस पर भेज दो, मैं उसको दे दूंगा। क्लाइंट हाँ जी आपको अलाउ करेगा? क्लाइंट हमें अलाउ करेगा, ऑब्वियसली वो अलाउ करेगा ना, अगर आपने करना है ड्रॉप शिपिंग। हम USA LLC के बगैर नहीं कर सकते, पाकिस्तान बैठ के कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग, आप USA LLC के बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बहुत शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म नहीं है। हाँ जी हाँ, ये अपना रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का आपको देना पड़ेगा, वो देंगे आप। अगर LLC बनानी है तो हम अलहदा से एड्रेस और नंबर बाय ना करें, जब एजेंट ही लेना है तो? देखिये वो नंबर और आपको एड्रेस है, वो जो स्पेशली नंबर है वो आपको अमेजोन में वहाँ पे काम आएगा। आप अमेजोन पे जाके आपने जब आप इसको प्रोफेशनल पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपने देखना है कि आपने एड्रेस यही वाला देना है रजिस्टर्ड एजेंट का, या आप अपना आपको एक एड्रेस देना पड़ेगा ना वहाँ बिजनेस का, तो उधर आपको चाहिए। लेकिन यहाँ वो यही वाला चल जाता है, मौसम यही चलेगा, नहीं कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। हजारों लाखों LLCs ये ओपन कर चुके हैं और चला रहे हैं, तो इन्होंने आपके साथ फ्रॉड नहीं करना। USA ऑब्वियसली महंगा है, US में बिजनेस करना इट्स एक्सपेंसिव, बट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज इन US एज कम्पेयर टू UK। US एक बड़ी मार्केट है, बड़ी पॉपुलेशन है, ज्यादा पैसा है लोगों के पास, उनकी बाइंग पावर ज्यादा है, उनकी बाइंग हैबिट ज्यादा है, इसीलिए US को रिकमेंड किया जाता है, US में सेल्स ज्यादा है। जिस तरह फोन नंबर एड्रेस एंड कंपनी रजिस्टर्ड की थी UK में, US में सिर्फ LLC करनी पड़ती है या नंबर एड्रेस एंड बैंक अकाउंट भी करना पड़ेगा ना? अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप आप लोग देख लें, इसके बाद ही ये मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्यों इतने क्वेश्चन आए क्या? हाँ मैंने क्यों ये। अच्छा, अगला स्टेप आपका बैंक अकाउंट का है LLC के बाद, जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है US का आपने, तो अगला स्टेप है आपका बैंक अकाउंट ओपन करने का। बैंक अकाउंट आप लोगों को पता है कि वाइज हमने ऑन किया था ओपन, और वाइज के अंदर जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे UK के लिए, आप वही स्टेप्स फॉलो करेंगे US के लिए, और आप वाइज US का अकाउंट बना लेंगे, और वो वाइज US का अकाउंट एज योर डिपॉजिट मेथड यूज होगा, ठीक है। तो वाइज का अकाउंट मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम एक दफा कर चुके हैं। इंडिविजुअल Amazon अकाउंट UK USA का? हाँ जी बिल्कुल सेम प्रोसेस है Amazon, जस्ट ये है कि आप वहां गए थे sellercentral.amazon.co.uk पे, यहाँ पे आप जाएंगे sellercentral.amazon.com के ऊपर, तो फिर आपका जो अकाउंट बनेगा वो US का बने। तो क्लास ये प्रैक्टिस करके दिखाइए आपको LLC फॉर्म करके, और किस तरह से प्रैक्टिस करके दिखानी है मुझे बताएं। यहाँ पे मैं वो ये पेमेंट भी कर दूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस होगी। सर सिंगल पर्सन एक से ज्यादा LLC क्रिएट कर सकते हैं? हाँ जी, आप बेशक 1000 LLCs क्रिएट कर लें एक ही नाम के ऊपर। बिजनेस ओपन करने हैं ना आपके, 1000 बिजनेस भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो ओपन कर लें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक पर्सन की आइडेंटिटी के ऊपर Amazon अकाउंट एक ही होगा, ठीक है, वो एक ही होगा, वो हजारों नहीं होंगे। LLCs आप 10,000 ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है, उनको पैसे आते अच्छे लगते हैं,
आप उनको पैसे पे करें, LLCs ओपन करते जाएं। यूके की तरह आपको देखिए वर्चुअल एड्रेस की रजिस्टर्ड एजेंट का ही वर्चुअल एड्रेस यूज हो गया ना, उसका फिजिकल एड्रेस यूज हुआ है, पर फोन नंबर आपको डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस मॉडल आगे वो चाहिए हो सकता है, फोन नंबर आप ले लेंगे स्काइप का या वाइक का। इंडिविजुअल अकाउंट में हम चार्ज मेथड को पाकिस्तान बैंक अकाउंट देंगे, डिपॉजिट मेथड आप पियोनियर का देंगे इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट में डिपॉजिट मेथड पियोनियर का देंगे या वाइज का इंडिविजुअल अकाउंट देंगे। चलें जी, मैंने होपफुली आपके सारे जो सवालात हैं उनका जवाब दे दिया है, और ये मुझे 100% श्योर है कि अभी आगे जब मैं चैट ऑन करूंगा तो फिर जो सवालात पूछे जाएंगे ऑल ऑफ देम वुड बी सेम, इसी तरह के होंगे। ठीक है, तो अगर आपने इन सबको ध्यान से सुन लिया है तो होपफुली आपको अपने जो आंसर्स हैं वो मिल गए हैं। विद सिंगल LLC कैन बी ऑपरेट इन ऑल अदर स्टेट्स, यस, और लेटर कैन बी चेंज द एड्रेस ऑफ द कंपनी। हाँ जी, आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं कंपनी का बाद में, और आप रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस से आप कोई वर्चुअल एड्रेस बाय करके आप उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, लेकिन रजिस्टर्ड एजेंट आपका वही रहेगा। फर्क बता दूं आपको, फर्क कहाँ पे था, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नहीं करना साइन अप, यहाँ पे नहीं करना, आपने जहाँ यहाँ जाना है लर्न मोर पे जाने के बाद नीचे वो एक था लिंक, वहां से आपने करना है साइन अप। ठीक है, किधर गया, कंपेयर सेलिंग प्लान्स, और ये इंडिविजुअल यहां से आपने करना है। ठीक है, अब यहां पे साइन अप फॉर प्रोफेशनल करना है आपने या वहीं से आप डायरेक्टली साइन अप कर लें। ठीक हो गया, साइन अप करने के बाद यहां पे ऐड अकाउंट कर लें, यार ईमेल एड्रेस मैंने यूज किया हुआ पहले, चले इसको कल करते हैं, ईमेल एड्रेस भी नहीं आवा, कल इंशाल्लाह इसको करते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट इसका देखते हैं, यूके का देखते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट जब तक बन गया है तो फिर वो किस तरह से अपग्रेड होता है प्रोफेशनल अकाउंट पे। ठीक है, इंडिविजुअल अकाउंट जब आपका बन गया है तो फिर आपने उस अकाउंट पे कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये चीजें इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है आप लोगों से। आप लोग प्लीज इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट नेशन, ये मामला बहुत इन डेप्थ है, अगर आप 8 घंटे भी इसके ऊपर लगा देना तो फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सब समझ आ गई है, ये सारा नॉलेज मैंने इकट्ठा कर लिया यूएस का। ठीक है, ये बहुत डिटेल में, इसके ऊपर टाइम लगाएं थोड़ा, LLC यूनिवर्सिटी के ऊपर टाइम लगाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।